एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ, कंबल और रजाई लेकर आ गई हूँ छत पे, डाल रही हूँ अलगन्नी पर, इंस्टाग्राम पे आलिया एक्ट्रेस 2024। हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आलिया एक्ट्रेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है और आज है 7 मार्च और मैं जा रही हूँ अभी फिलहाल छत पे रजाई और कंबल लेकर। अल्लाह, पंखा कौन चलाया है? अम्मी हमसे बोली है अभी 10 मिनट पहले कि छत पे आ जाओ, रजाई और कंबल लेकर आ जाओ, सब मतलब ऐसे सब धुलाया हुआ है, लेकिन 2-3 बार धूप लगता है ना, सब फिर रखाता है, अब सब रखा रहे धुल धुल के। तो हम व्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं जब तक कि अम्मी आके कह रही हैं। तो जा रहे हैं लेके चले। तो गाइज, मैं यहाँ पे कंबल और रजाई लेकर आ गई हूँ छत पे। एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ में ये। रूम में साफ नहीं दिखता है, ब्लॉगिंग करती हूँ तो ऐसा लगता है कि फोन ही खराब है मेरा, कैमरा ही खराब है, बट अभी छत पे आई हूँ तो कितना मस्त दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो एक मिनट, ब्राइटनेस कम हो गया। हाँ, तो छत पे आके ये समझ में आता है कि फ़ोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर तरीके से एक अच्छा लाइट नहीं मिल पाता है तो इसीलिए। और ये है सनलाइट, सनलाइट में कितना मस्त व्लॉग शूट हो रहा है। डाल लेते हैं यहीं पे, नहीं इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो गाइस, यहाँ पे रजाई डाल रही हूँ अलगन्नी पर, और ये पता है ये 3 दिन से सूख रहा है, 3 दिन से सूख रहा है, लेकिन अभी भी सूख ही रहा है। मतलब ये मोटा होता है ना, तो ऐसे नॉर्मल कपड़ा धुलो तो एक दिन में सूख जाता है अच्छे से फिर, लेकिन रजाई और कंबल का है ना कि आज धुलो तो उसको 4-5 दिन तक, अम्मी तो ऐसे ही करती हैं, 4-5 दिन तक उसको सुखाती हैं धूप में, फिर रखती हैं ट्रंक में। तो लास्ट अब ये बचा है कंबल, इसको भी डाल के चलते हैं नीचे। और ये तो पतला है, छोटा सा है, ये जल्दी सूख जाएगा और बस रजाई में टाइम लगता है, तो इसको भी डाल देते हैं। और फ़ोन को हम एक जगह साइड रखे हैं क्योंकि कोई कैमरामैन है नहीं पकड़ने वाला, तो बस ऐसे ही ब्लॉगिंग चलता रहे मेरा। तो सब डाल चुकी हूँ रस्सी पर और अब चलते हैं नीचे, फ़ोन को उठा लिए। तो कंबल डाल चुके हैं और अब हम चलते हैं नीचे क्योंकि फिर अम्मी आगे देखेंगे कैसे डाले हैं हम कैसे नहीं, क्योंकि हम कपड़ा डालते हैं ना तो उनको पसंद नहीं आता है, कहती हैं ऐसे डाला जाता है वैसे डाला जाता है मतलब, और ऐसे हम सही सही डाल भी नहीं पाते हैं, सूखता नहीं है, अम्मी का अंदाज सही है, वो अच्छे से अपना डालती हैं रस्सी पर, हम ला के बस रख दिए हैं, अम्मी डालेंगे। बाबू गुदी नहीं लेंगे हम, नहीं लेंगे, बोलो हेलो गाइस, पहले बोलो हेलो गाइस। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, उस टाइम से मैं रील्स बना रही थी, कान में पूरा झुमका वगैरह पहन के जो कि अभी उतारी हूँ, क्योंकि ना मुझे इयर रिंग नहीं पहना जाता है, चाहे छोटा हो बड़ा मुझे पहना नहीं जाता है, शुरू से ही मैं रेगुलर नहीं पहनी हूँ, और पहनती हूँ ना तो मेरा पूरा कान रेड हो जाता है, अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन वीडियो बनाना है तो पहनना ही पड़ेगा, अच्छा लगता है वीडियो में झुमका पहनते हुए, तो थोड़ा मतलब वीडियो का जो लुक होता है थोड़ा अच्छा आता है, ऐसे भी अच्छा लगता है वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो बिना इयर रिंग्स का ही बनाती हूँ, कभी कभी दिल कर देता है कि इयर रिंग्स पहनूँ या फिर थोड़ा मेकअप वेकअप करके बनाऊँ। तो अभी फ़िलहाल निकाल चुकी हूँ, थोड़ा रेस्ट पे इसको भी छोड़ी हूँ और तब तक मैं जाती हूँ, बहुत तेज़ मुझे भूख लगी है, खाना खाती हूँ, उसके बाद जो रील्स बनाई हूँ अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखिएगा लो, मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे आलिया एक्ट्रेस 2024, जो कि न्यू आईडी है, मैं कुछ दिन 10-15 दिन पहले ही बनाई हूँ,
तो मैं उसी पर रेगुलर काम कर रही हूँ और करूँगी। तो याद रखिए, आलिया एक्ट्रेस 2024 सर्च करिएगा तो आ जाएगा। 2024 इसलिए मैं डाली थी ना, मतलब आलिया एक्ट्रेस तो मेरी पहली वाली आईडी थी ही, यूट्यूब चैनल भी मेरा आलिया एक्ट्रेस के ही नाम से है। आलिया एक्ट्रेस मैं कभी नहीं चेंज करूंगी, लेकिन 2024 में इसलिए लास्ट में डाली थी ना कि 2024 में अपनी आईडी क्रिएट कर रही हूँ, उसी टाइम बना रही हूँ, तो इसीलिए 2024 में डाल दी थी। ठीक है।